गुड मॉर्निंग गाइस, आज सेकेंड डे है हमारे गरपंचकोट टूर का एंड हम लोग अभी आए हैं पांचेत में। ये पांचेत रेसिडेंसी से करीबन 4.6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हम लोगों को कार में 15 से 20 मिनट लगा है यहाँ पे आने में। एंड ये जो डैम है ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बॉर्डर पे है। दामोदर रिवर के ऊपर बना हुआ इस डैम का एक साइड पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है एंड दूसरा साइड धानबाद झारखंड में पड़ता है। अभी हम लॉक गेट की तरफ जा रहे हैं, तब तक चलिए आपके हमारे साथ नज़ारे का मजा लीजिए। लॉक गेट के ऊपर आ गए हैं। बहुत ही रुखा सुखा है ये साइड। 14 गेट्स है इस डैम में जो अभी तो बंद है। माइथन डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी यहाँ पे दामोदर रिवर के इस साइड पे स्टोर किया जाता है। जब पानी ओवरलोड हो जाता है तब लॉक गेट को ओपन करके पानी दूसरी तरफ छोड़ा जाता है। अभी हम जा रहे हैं जयचंडी पहाड़। पंचेत डैम से करीबन 33.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। हम लोग आ गए हैं जयचंडी पहाड़ पे। ये सामने जो जयचंडी पहाड़ का चोटी है ऊपर वहाँ पे जयचंडी माता का मंदिर है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। ऊपर आने के लिए 503 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। थोड़ा टफ है लेकिन हम लोग आ ही गए हैं।
एक्चुअली मैंने कभी ट्रेकिंग नहीं किया है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इतना सीवियर जर्नी में। मैंने दो बार बैठ के थोड़ा रेस्ट भी लिया था एंड ऊपर आने के बाद जो नज़ारा है वो तो आप देख ही सकते हैं। अगर आप भी यहाँ तक आए जैचंडी की पहाड़ के एंड ऊपर नहीं आए तो इतना अच्छा व्यू तो ज़रूर मिस कर जाएंगे, तो यहाँ पे ज़रूर रहिए। तब तक के लिए आप भी हमारे साथ नज़ारे का मज़ा लीजिए। ब्रेकफास्ट करके निकले थे, अभी दोपहर के 2:30 हो गए एंड हम अभी रिसोर्ट पे वापस जा रहे हैं लंच करने के लिए। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को एक घंटा तो शायद लग ही जाएगा, उसके बाद हम बाकी का रिसोर्ट घूम के देखने वाले हैं। डोंट वरी, आपको भी दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। रिसोर्ट में जो टावर है, लेक है, वहाँ पे जाएंगे, बट रिसोर्ट लौटने में हमें थोड़ा लेट हो गया था एंड शाम का वक्त भी हो गया था, इसलिए हम लोग नहीं गए थे। लेकिन अभी सुबह के 7 बजे हैं एंड चेकअप से पहले हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो चलिए हम लोग अभी बाकी का जो रिसोर्ट है वो एक्सप्लोर करते हैं। स्विमिंग पूल, जिम एंड स्पा एरिया है। अभी सुबह का टाइम है इसलिए ये खाली ही है।
शावर से तो व्यू बहुत अच्छा था। हम लोग कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठे थे एंड आपने जो लेक देखा टावर से, हम अभी उसके पीछे की तरफ जो रास्ता है, जंगल है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। पीछे के इस तरफ पूरा जंगल है एंड इसका थोड़ा हिस्सा रिसोर्ट के अंदर पड़ता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है एंड उसके बाहर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो जाना बना। अभी तो 11 बजने को आए हैं, चेकआउट करने का भी टाइम हो गया है। सो बाय गाइस, कोलकाता जाके आपसे फिर से मुलाकात होगी। हाय गाइस, मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि पांचेत रेसिडेंसी का जो सारा डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वहीं पे मैंने कहा था कि यहाँ पे चार तरह के रूम कैटेगरीज हैं, तो उसका ही डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है इग्लू। मैं यहाँ पे साइट पे आपको फोटोज दे दूंगी स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। जो इग्लू है ये सिंगल्स एंड बैचलर्स के लिए सुइटेबल है, बट नॉट फॉर द कपल्स एंड फैमिलीज, क्योंकि इसका कॉमन बाथरूम है, सो आप समझ सकते हैं। एंड जो सेकेंड रूम कैटेगरी है वो है बंजारा हट। ये जो रूम्स है ये थोड़ा टेंट की तरह दिखने वाले हैं, इसमें आपको सारा एमिनिटीज भी मिल जाएगा एंड ये जो रूम है कपल्स एंड फैमिलीज के लिए भी सुइटेबल है। अटैच्ड बाथरूम भी है यहाँ पे, सामने लॉन भी है, तो इवनिंग में आप फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है विलेज स्टाइल कॉफी एंड जो फोर्थ कैटेगरी है वो है मृतिका। ये दो जो रूम कैटेगरीज है ये थोड़ा हायर रूम कैटेगरीज है। हम जिस रूम पे रुके थे वो था मृतिका
हम लोग एक ही मील प्लान पे रुके थे, मतलब रूम विथ ऑल मील प्लान। यहाँ का जो फूड है वो भी टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज वो भी बहुत ही अच्छा है, तो आप एपी में रूम बुक कर सकते हैं। रूम रेंट के लिए आप लोग उनका वेबसाइट चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट का लिंक एंड उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए। होपफुली आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपना व्यूज कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। Stay safe, stay healthy. Bye-bye.